आगामी रावण वध कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ दशहरा की तैयारियों की समीक्षा और उसके अलावा आगामी छठ पर्व की तैयारियों की समीक्षा आज की गई। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष रावण वध कार्यक्रम जो 8 अक्टूबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा, इसके अवसर पर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियाँ ससमय पूर्व कर ली जाएँ। पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति सभी गेटों पर की जाए। सारे अप्रोच गेट्स का एंट्री एग्जिट के साथ साथ पूरे गांधी मैदान में लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके साथ CCTV कैमरे से गांधी मैदान के एक एक कोने पर नज़र रखी जाएगी और इतना ही नहीं, सभी एंट्री और एग्जिट गेट्स पर भी CCTV लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से भी यातायात व्यवस्था नियंत्रित की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए जाएंगे और माइक के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से आम लोगों को सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था, इन सभी संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया और यह निर्देश दिया गया है कि रावण वध के अवसर पर और दशहरे के अवसर पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का प्रयास करे, उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी और विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में जगह जगह पर तैनात किए जाएंगे ताकि आम लोगों की सुरक्षा के साथ साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा छठ पर्व की तैयारियों के संबंध में भी आज विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और यह लक्ष्य दिया गया है कि छठ पर्व का आयोजन इस वर्ष पहले के वर्षों की तुलना में बेहतर और उत्कृष्ट रूप से किया जा सके। सभी छठ घाटों पर आवश्यक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने का निर्देश नगर निगम के पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को दिया गया है। भवन निर्माण विभाग और PSG के पदाधिकारियों को भी सभी घाटों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और छठ पर्व पर साफ सफाई की व्यवस्था सभी अप्रोच रोड्स के साथ साथ अन्य भी जहाँ जहाँ पर छठ का आयोजन किया जाता है उस पर सभी प्रकार के प्रशासनिक इंतजाम इस प्रकार से किए जाएं कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साफ सफाई और रोशनी का पर्याप्त इंतजाम रहे और लोग खुशी उल्लास और उमंग के साथ में छठ पर्व का भी आयोजन लोग कर सकें। देखिए, आम लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। इस प्रकार का ऐसा कोई लिखित आदेश या ऐसा निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। लोग अपनी अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति के अनुसार अपने अपने पर्व का आयोजन करने अपने हिसाब से करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना जरूर है किसी भी व्यक्ति को विधि व्यवस्था के संधारण में किसी भी प्रकार के गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इतना भी अवश्य है कि अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पूरे पर्व त्यौहार के दौरान कई सारे शरारती तत्व कई प्रकार की अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आम लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलत अफवाह फैलाता है तो स्थानीय थाना को, स्थानीय प्रशासन को अवश्य सूचित करें ताकि ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई की। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।